हेलो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 20 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेटा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस टू वन अपॉन रूट, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। जब बेटा माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है, जो माइनस का नंबर होता है वो प्लस का हो जाता है। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, इसमें बेटा प्लस का 4 ऐड कर देते हैं और माइनस का 4 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है? 4 का हाफ क्या होगा? 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर ही माइनस करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या था? 4। ठीक है बेटा, डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू पॉन माइनस, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ये, और माइनस फोर। ठीक है बेटा, डी एक्स। अब देखिए एक्स प्लस टू अपॉन रूट, ये ब्रैकेट से माइनस लगा हुआ है तो ये 4 आ जाएंगे प्लस के, किसके हो जाएंगे बेटा? प्लस के। ठीक है बेटा, और ये माइनस के, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए बेटा, अब इसको किस प्रकार करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपॉन रूट 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें 2 ऐड कर लेंगे और 2 ही माइनस कर लेंगे। देखिए ऊपर 2 ऐड कर देते हैं बेटा और 2 ही माइनस कर देते हैं। भाई 2 ऐड करते हैं, 2 माइनस करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखिए एक्स माइनस टू प्लस 4 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। बेटा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक्स माइनस टू मैंने पास लिख लिया, एक्स माइनस टू पास लिख लिया, और 2 और 2 क्या हो जाएंगे बेटा? 4। 2 और 2 4, और 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एट इस कर दिया है। ठीक है, देखिए बेटा, अब क्या करते हैं इसको, इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू को एक पार्ट मान लेते हैं और 4 को सेकंड पार्ट मान लेते हैं, और सेपरेटली इसमें डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो एक्स माइनस टू अपॉन रूट 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस टू का रूट 4 माइनस, ये 4 है बेटा, 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए अब इसको किस प्रकार करते हैं, ये 4 है और बीच में ये क्या है? माइनस। इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू अपॉन रूट 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस, ये जो 4 है ना, इसको ऊपर वाले को बाहर ले आते हैं, तो 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, टी इक्वल टू मान लेते हैं 4 माइनस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 का हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस टू। ठीक है बेटा, जब dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt टी, और ये आ जाएगा इसके नीचे माइनस टू, एक्स माइनस टू इक्वल टू डी एक्स, एक्स माइनस टू इक्वल टू डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू अपॉन रूट में ये हमने क्या माना था? t, क्या माना था? t, और ये dx है ना बेटा, तो dx की जगह क्या रख देंगे? dt अपॉन माइनस टू एक्स माइनस टू,
प्लस फोर। अब ये सेकंड पार्ट को देखते हैं, हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा। तो वन अपॉन ये हो जाता है टू का रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए एक्स माइनस टू से ये एक्स माइनस टू कट जाएगा, तो माइनस का वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन टू ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टी, वन अपॉन रूट टी, वन अपॉन रूट टी का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो हो जाएगा टू रूट टी, टू रूट टी और प्लस इसका तो इंटीग्रेशन हो गया एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू गया, माइनस के वन अपॉन टू बाहर आ गया और वन अपॉन रूट टू बचता है, वन अपॉन रूट टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू रूट टी प्लस फोर। अब ये बनता है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। टू से ये टू कट जाएगा, टू से टू बेटा ये कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस के रूट टू, माइनस के रूट टी माइनस और रूट माइनस के रूट और टी बेटा हमने क्या माना था, टी हमने ये माना था फोर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस प्लस फोर फोर और साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू अपॉन टू प्लस सी। ठीक है बेटा, माइनस अब फोर माइनस एक्स माइनस टू को होल स्क्वायर, फोर माइनस एक्स माइनस टू का जो होल स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यही आ जाएगा फोर एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर और साइन इनवर्स एक्स माइनस टू अपॉन टू प्लस सी, बेटा यही हमारा आंसर आता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, डी एक्स। ठीक है बेटा, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए इसको उस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं जो न्यूमरेटर ए डिवाइडेड डी एक्स न्यूमरेटर प्लस बी से। ठीक है बेटा, तो हमारा ये क्या है न्यूमरेटर एक्स प्लस टू इजिकल टू ए डिवाइडेड डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी प्लस बी। ठीक है बेटा, देखिए एक्स प्लस टू इजिकल टू ए, इसका डिफरेंशियल करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स और टू एक्स का हो जाएगा टू प्लस बी प्लस बी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको आगे और सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक्स प्लस टू इजिकल टू ए का भीतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू ए प्लस बी। बेटा x का कोफिशियंट 2 है, यहाँ x का कोफिशियंट 1 है तो 2 इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये विदाउट x तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 2, 2 a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा और 1 उधर जाएगा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और b इज इक्वल टू 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब आते हैं हम बेटा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ देखिए जो हमारा x प्लस टू है और x प्लस टू की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या रखा है, हमने a 2x प्लस टू प्लस बी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए इंटीग्रेशन a, a की वैल्यू क्या हमारी 1 अपॉन टू तो 2x प्लस टू, 2x प्लस टू प्लस बी इक्वल टू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, इसमें ए इक्वल टू 1 अपॉन टू था, ए इक्वल टू 1 अपॉन टू तो 1 अपॉन टू रख दिया और इसका जो डिफरेंशियल था वो था 2x प्लस
टू। अब देखिए, और डी एक्स इंटीग्रेशन वन अपॉन टू, टू इसमें से कॉमन लेते हैं, ये बचेगा एक्स प्लस वन, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ये टू से टू कट जाएगा, टू से टू बेटा कट जाएगा। अब ये बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन, प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और डी एक्स, डी एक्स। देखिए अब इसको सेपरेटली इसको डिवाइड करते हैं। सेपरेटली डिवाइड किस प्रकार करेंगे बेटा, देखिए इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। बेटा देखिए हमारे पास एक्स प्लस वन था, तो एक्स प्लस वन से को डिवाइड कर दिया एक्स इससे, ठीक है, और वन था तो वन से भी हमने इसको डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री को, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको ये मान लेते हैं टी, क्या मान लेते हैं टी, तो टी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस टू, ठीक है बेटा। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, टू कॉमन लेते हैं ये बचेगा एक्स प्लस वन, तो डी टी अपॉन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ये रूट टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू क्या हमारी टी है। देखिए ये डी एक्स है ना, डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी टी अपॉन, डी टी अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस, अब इसको करते हैं सॉल्व, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब बेटा टू का कोफिशेंट क्या है, एक्स का कोफिशेंट है टू, एक्स का कोफिशेंट क्या है टू, और टू का हाफ वन, तो बेटा वन ही इसमें ऐड कर देंगे और वन ही इसमें से माइनस कर देंगे, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा, ये बचेगा वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट टी और डी टी प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और थ्री में से माइनस बन जाएगा, ये बचेगा टू, इसको रूट टू का स्क्वायर कह सकते हैं, रूट टू का क्या कह देंगे बेटा स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर और डी एक्स, डी एक्स। आप देखिए वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट टी है, वन अपॉन रूट टू का इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा टू रूट टी और डी टी प्लस, अब ये बनता है हमारा बेटा वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये बनता है लॉग एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर कर देंगे टू प्लस सी, टू से टू कट जाएगा रूट टी, रूट टी, तो रूट और टी की वैल्यू हमने क्या माना था टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस लॉग एक्स प्लस वन, और इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी, बेटा यही हमारा इसका आंसर आता है, ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, बेटा ये 22 है वो है हमारा क्वेश्चन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव और डी एक्स, ठीक है बेटा। इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसी मेथड से बेटा सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस थ्री ए डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस बी, एक्स प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा बेटा टू एक्स और टू का जाएगा टू प्लस बी और फाइव का तो जीरो होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू ए प्लस बी, देखिए एक्स का कोफिशेंट क्या है टू ए, इसका एक्स का कोफिशेंट है वन, तो टू इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा वन अपॉन टू। अब बेटा देखिए
विदाउट एक्स का है हमारा माइनस के टू ए प्लस बी इजिकल टू थ्री, तो माइनस के टू ए की वैल्यू वन अपॉइंट टू प्लस बी इजिकल टू थ्री, टू से टू कट जाएगा ये बचेगा माइनस वन, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन, इसलिए थ्री का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बी इजिकल टू फोर, बी इजिकल टू फोर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स। देखिए बेटा अब हमारे पास क्या है, ए की जो वैल्यू है वो है हमारा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू टू एक्स माइनस टू प्लस बी का वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास फोर, बी का वैल्यू क्या हमारे पास एक्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स, ये सिमिलर लग दिया बेटा। टू इसमें से कॉमन लेते हैं तो वन अपॉन टू, टू कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वन प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स, टू से टू कट जाएगा बचेगा क्या एक्स माइनस वन प्लस फोर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ये एक्स माइनस वन है ना इसको सेपरेटली, एक्स माइनस वन है ना इसको, इसको और फोर को इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स प्लस क्या है फोर, प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स। बेटा टी मानते हैं इसको, तो टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस फाइव, तो डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस टू का हो जाएगा टू, तो डी टी ये टू एक्स माइनस टू यहाँ जाएंगे तो एक्स टू कॉमन लेते हैं ये बचेगा डी एक्स। बेटा देखिए अब चलते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, एक्स माइनस वन अपॉन इसको मानना था क्या टी, क्या मानना था बेटा टी, जब हमने इसको टी माना तो डी एक्स, इसमें डी एक्स है ना, डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी अपॉन टू एक्स माइनस वन, ठीक है प्लस फोर, ये वाला फोर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस फाइव। बेटा एक्स का कोफिशियंट क्या है टू, टू का हाफ करेंगे तो वन, वन ही बेटा ऐड करेंगे, वन ही इसमें से माइनस करेंगे, वन ही इसमें से क्या कर देंगे बेटा माइनस। अब देखिए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा तो वन अपॉन टू, और वन अपॉन टी क्या बचेगा लॉग टी प्लस फोर, वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन रखेंगे इसमें तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के सिक्स, माइनस के सिक्स है तो इसका रूट सिक्स का स्क्वायर करते हैं बेटा, ठीक है ये सिक्स है ना इसे रूट सिक्स का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना, वन अपॉन टू लो टी की वैल्यू क्या माना था, टी की वैल्यू माना था एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस फोर। अब देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू क्या है रूट सिक्स लॉग एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है प्लस सी बेटा, टू से फोर कितने बार जाए कट जाएंगे टू बार, तो वन अपॉन टू लो एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस फाइव प्लस प्लस टू से फोर कट जाएंगे तो ये हो जाएगा टू रूट सिक्स लो एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी बेटा, यही हमारा आंसर आता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा हमारा 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी एक्स। ठीक है बेटा देखिए वही कंडीशन फॉलो करेंगे, 5x प्लस 3 इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी, 5x प्लस 3 इक्वल टू ए, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और ये 4 प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 5x प्लस 3 इक्वल टू
ए का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b। देखिए x का कोफिशियंट क्या है हमारा 2a, x का कोफिशियंट क्या है हमारा 2a, और यहाँ x का कोफिशियंट है हमारा बेटा 5। तो 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2a, a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो a इजिकल टू हो गया 5/2। बेटा विदाउट x कोफिशियंट क्या है 4a प्लस b, 4a प्लस b इधर है हमारा 3, तो 4 ए का क्या वैल्यू हमारा 5/2 प्लस बी इक्वल टू 3, 4 से ये 2 और 2 5 जा 10, बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा -k 7। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो 5x+3 है, 5x+3, तो 5x+3 का वैल्यू क्या था हमारा ए 2x+4 प्लस बी अपॉन रूट x² + 4x + 10, x² + 4x + 10 डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए क्या हमारी वैल्यू 5/2 और 2x+4+b बी की वैल्यू है -7, तो यह माइनस आ जाएगा, रूट x² + 4x + 10 डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए इंटीग्रेशन 5/2, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं बेटा, तो क्या बचेगा x+2 -7 अपॉन रूट x² + 4x + 10 डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब 5/2, 2 कॉमन लेते हैं तो ये होता है x+2। चलो अब चलते हैं आगे, इंटीग्रेशन x+2 अपॉन रूट x² + 4x प्लस, इसको अभी सेपरेट डिवाइड नहीं करते हैं। देखिए बेटा ये 2 से 2 कट गया, 5 और x+2 - 7 अपॉन x² + 4x + 10 डी एक्स। देखिए बेटा अब इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे, इसमें से 5 कॉमन मिलता है तो x+2 अपॉन रूट x² + 4x + 10 डी एक्स -7 1/x² + 4x + 10 डी एक्स। देखिए बेटा इसको t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t, तो x² + 4x + 10 तो dt/dx x² का 2x + 4 और dt 2x + 4 यहाँ नीचे आ जाएंगे, इसे 2 कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा x+2 = dx। देखिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, 5x+2 अपॉन रूट टी और dx की वैल्यू क्या हमारी, dx की वैल्यू है dt/2x+2 -7 1/x² + 4x + 10 x² + 4x + 10। अब देखिए x का कोफिशियंट क्या है 4, 4 का x का 4 है, 4 का हाफ करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर ही माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऐड करेंगे, 4 ही माइनस करेंगे डी एक्स। बेटा x+2 से x+2 कट जाएगा और 2 आ जाएंगे इसके बाहर, 1/5/2 1/√t और डी टी -7 1/x² + 4x + 10 ये हो जाएगा x² + 4x + 4 ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस, और 10 में से ये 4 जाते हैं तो 6 बचेगा, इसको 6 को हम √6 का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं ना डी एक्स। देखिए बेटा 5/2 ये 1/√2 है, इसका इंटीग्रेशन होगा तो 2√t -7 अब ये बनता है 1/x² + a² बेटा ये
रूट में है, किस में है बेटा, ये रूट में है। तो वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये होता है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, देखिए टू से टू कट जाएगा, फाइव रूट। और टी की वैल्यू क्या हमारी, टी की वैल्यू है एक्स, टी की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस दस, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस दस माइनस सेवन लॉग एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन मतलब दस प्लस सी, यही हमारा बेटा आंसर आता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा बेटा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और डी एक्स। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये टू है इसे हम वन प्लस वन कह सकते हैं ना, डी एक्स। इंटीग्रेशन वन अपॉन, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस वन है तो इसका वन का स्क्वायर डी एक्स। अब ये हो गया इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बेटा टेन इनवर्स वन का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस सी, यही हमारा आंसर आता है, यही हमारा आंसर आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट नाइन एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए बेटा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, वन अपॉन रूट माइनस कॉमन लेते हैं तो ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स होता है बेटा डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए वन अपॉन रूट माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस के नाइन एक्स। अब इसका क्या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं तो एक्स का कोफिशियंट क्या है बेटा नाइन, तो नाइन का हाफ करेंगे तो नाइन अपॉन टू, तो नाइन अपॉन टू ही ऐड करेंगे, नाइन अपॉन टू ही माइनस करेंगे, तो नाइन अपॉन टू मतलब होता है हमारा 81/16। इसको ऐड करेंगे 81/16 ही इसको माइनस करेंगे और डी एक्स। देखिए आप यही करता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ये बनता है हमारा फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 18/16, ये होता है 2x माइनस 9 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 81/16 डी एक्स। ठीक है बेटा, ये है ना ये वाला पार्ट बना 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर, ये था ये माइनस के 81/16 इसे सेम इट लिख दिया है। अब देखिए वन अपॉन रूट, देखिए ये माइनस लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 81/16, तो इसको और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 81/16। ठीक है बेटा, माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए टी इक्वल टू क्या मान लेते हैं 2x माइनस 9/4, तो डी टी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 2। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो डी टी और 2 आ जाएगा इसके नीचे इक्वल टू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन 1/√ ये हो जाएगा 81/16 है, ये हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बेटा ये जो डी एक्स था ये वाला डी एक्स, तो इसकी जगह लिख देंगे हम बेटा डी टी अपॉन टू,
डी टी अपॉन टू, तो वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन नाइन अपॉन फोर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन ए और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, सॉरी वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वन अपॉन टू सेम इट, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स क्या है हमारा टी अपॉन ए नाइन अपॉन फोर, नाइन अपॉन फोर। अब देखिए बेटा वन अपॉन टू प्लस सी वन अपॉन टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स, ये टी हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा फोर टी अपॉन नाइन प्लस सी। अब देखिए वन अपॉन टू साइन इनवर्स फोर, ये हमारी टी की वैल्यू क्या थी, हमारी टी की वैल्यू थी बेटा टू एक्स माइनस नाइन अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस नाइन अपॉन फोर, नाइन अपॉन फोर अपॉन नाइन प्लस सी, प्लस सी। ठीक है बेटा, देखिए वन अपॉन टू साइन इनवर्स इसका भीतर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा फोर टू जा, देखिए फोर ये वाले आ गए और फोर टू जा एट एक्स, एट एक्स माइनस नाइन अपॉन फोर अपॉन नाइन प्लस सी, प्लस सी। ठीक है बेटा, और देखिए इस वाले फोर से ये वाले फोर कट जाएंगे, तो बचेगा क्या वन अपॉन टू साइन इनवर्स एट एक्स माइनस नाइन अपॉन नाइन और प्लस सी। बेटा यही हमारा आंसर आता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन था हमारा 25 एक्सरसाइज 7.4 में हमारे 25 क्वेश्चन थे जो कि हमारे वीडियो के माध्यम से सॉल्व आउट करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।